बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अफरोज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड। दोस्तों, जैसे कि आज की जो हमारी टॉपिक है वो रिलेटेड टू एलिवेशन के बारे में है। जैसा कि यहां पे पीछे आप देख सकते हैं, यहां पे 4 इंच का जो है पार्टीशन वॉल है ब्रिक का, सपोर्टिंग के लिए हम ले रहे हैं स्टील 8 mm का। वो क्यों ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं, बताता हूँ फुल डिटेल्स इस वीडियो में। बने रहिए इस वीडियो पर पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। वेलकम बैक टू ऑल अवर यूट्यूब चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारे वर्कर्स भी हैं यहाँ पे, और यहाँ पे किस तरह से वर्क हो रहा है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर, मतलब 150 mm सेंटर टू सेंटर यहाँ पे गैप दिया गया ऊपर। ओके, ऊपर देख सकते हैं। ओके, ये जो रॉड है यहाँ पे 6 mm का यूज़ किया है। बाज़ जगह पे यहाँ पे 8 इंचेस पे भी दिया गया है, बाज़ जगह पे 12 इंचेस पे भी दिया गया है। एक्चुअली ये जो है सिंपली सपोर्टिंग के लिए दिया गया है। जैसे कि 4 इंच का जो ब्रिक होता है, अगर हम इसको कंटिन्यूस अगर लेंगे तो क्या होगा, वो बताता हूँ। बने रहिए इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। मैं आपको टॉप व्यू से बताता हूँ किस तरह से यहाँ पर वर्क हो रहा है। ओके फ्रेंड्स एंड एवरीवन, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके, यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे वर्क हो रहा है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बताता हूँ इस वीडियो में। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं 6 इंच की दूरी पे। ओके, बने रहिए इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओके, यहाँ पर देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 इंच की दूरी पे। ओके, 6 इंच की दूरी पे सेंटर टू सेंटर यहाँ पे रॉड दिया गया। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे वर्कर्स भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, और जैसा कि और इसको विद हेल्प ऑफ दी नेल से फिट करेंगे। जैसा कि कीला होता है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला जो कीला है यहाँ पे बिट में मारा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला कीले को यहाँ पे बिट में मारा गया है, और यहाँ पे विद हेल्प ऑफ दी बेंडिंग वायर से यहाँ पे फिट किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेंडिंग वायर से यहाँ पे फिट किया गया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे भी फिक्स किया गया। ओके, ये जो भी नेल्स है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे नेल्स है, और यहाँ पे 6 mm के रॉड यूज़ किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 6 mm का रॉड यूज़ किया गया है। बाद जगह पे जहाँ पे शॉर्टेज था, जो स्टील पहले का जो बच गया था 8 mm का, वो भी यहाँ पे यूज़ किया गया है। जो यहाँ पे 6 mm का यूज़ करेंगे तो बेटर रहेगा, इनफ। अगर आप स्लैब के लिए यूज़ कर रहे हैं तो 8 mm का मिनिमम यूज़ करना चाहिए 8 का 10 का। ओके, मगर यहाँ पे एलिवेशन के लिए यहाँ पे 6 mm का यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादा वेट नहीं होना बल्कि वेट कम होना बल्कि यहाँ पे, और जो डिस्टेंस है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको मिल जाएगा 150 mm मिल जाएगा, 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर मिल जाएगा। और बाज जगह पे देख सकते हैं नियरर टू 1 फिट है। ओके, नियरर टू 1 फिट है। यहाँ पे 1 फिट क्यों नहीं डाला है, मतलब जस्ट यहाँ पे जस्ट सपोर्टिंग के लिए यहाँ पे ये जो है बांधा गया है, यहाँ पे फिक्स किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 6 इंच 7 इंच, यहाँ पे इतना ही मिल जाएगा। बाज जगह पर आपको 5 इंच मिल जाएगा, मगर एक्चुअली क्या है, हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर 6 इंचेस सेंटर, कितना 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर। मैं आपको पूरा क्लियर बताता हूँ, बने रहिए इस वीडियो पे। जैसा कि ये वाले जो यहाँ पे रॉड्स दिख रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ये ऊपर दिख रहे हैं, ये इसलिए छोड़ा है ओवरलैपिंग के लिए। जब नेक्स्ट यहाँ से ब्रिक्का वाल स्टार्ट हो जाएगा, ओके, यहाँ से ब्रिक्का वाल स्टार्ट हो जाएगा, और ये एरिया में विंडो रहेगा, यहाँ से ब्रिक्का वर्क स्टार्ट हो जाएगा, तो पहले वाला नए वाले से ओवरलैप होगा, इससे ओवरलैप हो जाएगा। ये वाला पुराना वाला देख सकते हैं, पुराना वाला, फिर ब्रिक वर्क करने के बाद, यहाँ से ब्रिक वर्क होने के बाद वो ओवरलैप हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर। ओके, और ये जाली जो है टाइट रहना चाहिए। ओके, ये जो जाली जो है टाइट होना, जैसे कि यहाँ पर मैं हिलाता हूँ, देखिए आप इसको, बने रही इस वीडियो पर, इसको मैं थोड़ा सा फोर्स करता हूँ यहाँ पे, देखिए फोर्स डालता हूँ यहाँ पे, देखेंगे ये थोड़ा सा हिलना नहीं चाहिए, टाइट रहना चाहिए बिल्कुल, जो जाली है जो बिल्कुल टाइट रहना चाहिए। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे 4 इंच की वॉल को यहाँ पे विद हेल्प ऑफ दी रॉड से यहाँ पे जैसा स्लैब में बनते हैं उस तरह से यहाँ पे बांधा गया है यहाँ पे। ओके,
और यहाँ पे नेल से भी फिट किया गया है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है नेल्स, यहाँ पे 4 इंच का नेल्स है, यहाँ पे बेड के ऊपर यहाँ पे मारा गया है। अगर इसको जॉइंट में, जो नेल्स होता है वो जॉइंट्स में नहीं मारना चाहिए। जैसे कि ये जॉइंट्स होते हैं, ये जॉइंट्स में मारेंगे तो उसमें ग्रिप नहीं आएगा, डायरेक्टली वो इसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर वो फिक्स नहीं होगा, अच्छे से फिक्स नहीं होगा। आप दो जगह मार सकते हैं, जो नेल्स को दो जगह फिक्स कर सकते हैं। फर्स्ट जो रहेगा पॉइंट, आप बेड के अंदर कर सकते हैं, कॉन्क्रीट का बेड रहेगा। और दूसरा बोलते ऑप्शन, आप ब्रिक के अंदर भी इसको फिक्स कर सकते हैं, इंसर्ट करके वहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर है, ओके, यहाँ पे इस तरह से है, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे रेडी हुआ है, ओके। एक्चुअली हम ये क्यों प्रोवाइड करते हैं, वाई वी प्रोवाइड दी रेनफोर्समेंट एंड आल्सो वी कैन से दी मेश, हम मेश क्यों प्रोवाइड करते हैं फॉर दी आउटर वॉल ऑफ 4 इंच वॉल, सिंगल वॉल ऑफ ब्रिक क्यों यूज़ करते हैं। तो बोलता हूँ बने रहिए इस वीडियो पे, पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करें। एक्चुअली जैसा कि फ्रेंड्स एंड एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू, जैसा कि ये देख सकते हैं 4 इंच की वॉल है, ओके, 4 इंच की वॉल है। एक जो वॉल बनाते हैं हम 4 इंच की, जैसा कि ग्राउंड फ्लोर से बनाते हैं हम, सपोज समझ लीजिए ग्राउंड फ्लोर से बनाते हैं हम, कहाँ तक, फर्स्ट फ्लोर तक हम वॉल बनाते हैं स्लैब के बाद, स्लैब से पहले नहीं, स्लैब के बाद, पहले फर्स्ट स्लैब कास्टिंग कर लेते हैं, करने के बाद उसको वॉल को क्या करते हैं, ब्रिक वर्क करते हैं। ब्रिक वर्क करने के बाद जहाँ पे भी बीम को वो टचअपिंग होता है, जैसे कि बीम आता है, बीम को टचअपिंग होता है, अजीम कीजिए वहाँ पे टचअपिंग होने के बाद, क्यूरिंग होने के बाद, अब जब वॉल को जाके वहाँ पे ऐसा ये करते हैं, फोर्स डालते हैं तो वॉल हिलती है। जैसे कि ये हाइट कम नहीं हिल रही है यहाँ पे, जब वॉल पे आप फोर्स डालते हैं तो जब वॉल हिलती है। और दूसरा पॉइंट, और एक एक बात बोलता हूँ मैं आपको, जैसे कि आप कभी भी वर्क करते हैं, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग बनाते हैं, ऐसा बेड डालना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 फीट के ऊपर ये बेड डालना चाहिए। देन उसके बाद जो नेंटल लेवल आता है 7 फीट, वहाँ पे भी आपको बीम बोलेंगे, बीम नेंटल बीम बोल सकते हैं और सिंपली नेंटल बोल सकते हैं, वो 7 फीट पर डालना चाहिए। देन उसके बाद स्लैब कास्टिंग होगा, वहाँ पर ड्रॉप बीम आएगा। तो मैं बोलना आपको ये चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि कंटिन्यूस वॉल रहने की वजह से बेड नहीं रहा, अगर रहा तो भी बेड नहीं रहेगा तो ज़्यादा डिसएडवांटेज ज़्यादा रहेगा, क्योंकि बोल तो कंटिन्यूस वॉल होने की वजह से, ग्राउंड फ्लोर से स्लैब तक कंटिन्यूस वॉल होने से बेड नहीं रहा तो उसमें क्रैक्स आ सकते हैं। और दूसरी बात क्या है, वो अगर आप उसको धक्का देंगे तो वो हिलने लग जाती है। तो ये आउटर का वाला यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको डेंटल के बाद यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे डेंटल के बाद इसको दिया गया आउटर का। और इसके जो रॉड है यहाँ पे सपोर्टिंग के लिए, हम जो रॉड ले रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं, स्लैब में से यहाँ पे रॉड दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लैब की जो रॉड है, ये रॉड दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो स्लैब के रॉड से यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो है स्लैब के रॉड है, ये वाला देख सकते हैं स्लैब के रॉड है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे स्लैब का यहाँ पे रॉड है। मैं आपको क्लियर बताता हूँ, बने रहिए इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, आपको क्लियर मालूम हो जाएगा, ओके। यहाँ पे ये जी यही रॉड है, यही रॉड को ओवरलैप किया, यहाँ पे रॉड देख सकते हैं, ये जो बार्स है, ये रेनफोर्समेंट, उसी को यहाँ पे ओवरलैप किया गया है, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी को यहाँ पे ओवरलैप किया गया है। तो एक्चुअली में मैं बोलना ये चाहता हूँ, ये वीडियो बनाने का एम जो है, मकसद जो मेरा ये है कि आप तक कुछ न्यू बनाऊँ, कुछ नई वीडियो बनाऊँ, आप तक पहुँचाऊँ। जो भी 4 इंच की वॉल होती है, आउटर में ब्रिक वर्क होती है, वाट एवर, जो भी लाइट वेट की होती है या फिर ब्लॉक की होती है या फिर कॉन्क्रीट की होती है, 4 इंच की अगर वॉल होती है तो उसे इस तरह से आप करेंगे तो बेटर रहेगा। फर्स्ट एडवांटेजेस क्या रहेगा, आपको ग्रिप मिल जाएगा। ये जैसा कि मैं आपको बोला हूँ, 10 फीट तक अगर कंटिन्यूस ये वॉल जाता है, अगर आप उसको सेंटर में जाकर थोड़ा सा हिलाएंगे, फोर्स करेंगे, हिलने को लगता है। जैसा कि अभी भी ये थोड़ा बहुत हिल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे, ओके, देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत शेक हो रहा है। तो ये हाइट कम होने की वजह से ज़्यादा शेक नहीं हो रहा है। अगर कंटिन्यूस 10 फीट इसका हाइट रहेगा, आप उस पर वहाँ पर या फिर हाथ से भी फोर्स देंगे या फिर हैमर से थोड़ा ये करेंगे तो दीवार हिलने लगती है। जैसा कि डर लगता है आपको कब गिरेगी कब नहीं, प्लास्टर करने के बाद वहाँ पे क्या हो जाएगा, 50% ग्रिप मिल जाएगा। मगर स्टील अगर आप डाल देंगे आउटर में 4 इंच की वॉल को, तो आपको 100% यहाँ पे इसका ग्रिप मिल जाएगा। मगर स्टील जब डालते हैं तो उसमें आपको 2 एडवांटेजेस रहेंगे, एक तो आपको ग्रिप मिल जाएगा, सेकेंड जो है 4 इंच की वॉल को पानी आने के चांसेस होते हैं,
अगर आप स्टील डालने के बाद प्लास्टर करेंगे तो प्लास्टर का थिकनेस भी ज़्यादा आएगा और जो वाटर जो रहेगा वो भी अंदर नहीं आएगा, इनर से भी प्लास्टर हो जाएगा, इनर साइड से भी आउटर साइड से भी आपको प्लास्टर हो जाएगा। और देन नेक्स्ट जो है, जब भी आप बाहर का काम करते हैं वहाँ पे केमिकल मिलता है डॉक्टर फिक्सिंग बोल के, प्लास्टरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, कंक्रीटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फॉस्फोरिक बोल के भी केमिकल आता है, बहुत सारे केमिकल होते हैं मगर ज़्यादातर डॉक्टर फिक्सिड यूज़ करते हैं। जैसे कि सभी को कॉमनली मालूम है डॉक्टर फिक्सिड केमिकल मिलता है बोल के, वो प्लास्टरिंग के लिए भी आता है, कंक्रीट के लिए भी आता है। जो एक जो बॉक्स होता है और फायर बैग सीमेंट, एक जो बॉक्स होते हैं उसको बॉटल लेते हैं, वो फायर बैग सीमेंट को कवर करता है, फायर बैग सीमेंट तक कवर करता है। जैसे कि यहाँ पे वर्कर्स हैं, यहाँ पे काम चल रहा है और नीचे कटिंग कर रहे हैं, देख सकते हैं नीचे भी कटिंग कर रहे हैं और यहाँ पे बेंडिंग वायर से टाइट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ से लेके ये जो छत के जो यहाँ पे रॉड्स है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से लेके नीचे का जो छत है, छत के रॉड्स जो है वहाँ पे जाके ओवरलैप हो जाएगा। इस तरह से फुल टाइट होना चाहिए और 2 इंच का 3 इंच का गैप नहीं होना चाहिए, प्लास्टर बहुत ज़्यादा चले जाएगा। एक्चुअली में जैसा कि यहाँ पे ईंट को लग के है, ये दिख रहे हैं रॉड सरिया, इस तरह से ईंट को लग के रहेगा तो टाइट रहेगा और बेस्ट रहेगा। इस तरह से गैप जैसे कि यहाँ पे आ रहा है बिकॉज ऑफ दी, जैसा कि छज्जा भी है वहाँ पे, ओके, छज्जा लिंटल की वजह से भी थोड़ा सा गैप आता है। इतना आएगा तो वो 25 mm आएगा तो चलेगा, 800 के बस 2 से ज़्यादा इंच नहीं आना चाहिए। और जहाँ तक हो सकता है आप नेल से इस तरह से फिक्स करेंगे तो बेटर रहेगा, जैसे कि यहाँ पे नेल्स देख सकते हैं, इस तरह से फिक्स करेंगे तो बेटर रहेगा। पूरा ये फिटिंग हो जाने के बाद इसको हम क्या करेंगे, प्लास्टर का काम स्टार्ट कर देंगे। मगर इसको प्लास्टरिंग के लिए बेटर क्या रहेगा, इसको अच्छे से फिट करना चाहिए स्ट्रेंथ आने के लिए, अच्छे से प्लास्टर होने के लिए, और ज़्यादा गैप्स को अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा गैप्स नहीं आना चाहिए। जहाँ जहाँ पे भी गैप्स आते हैं वहाँ पर क्या करना चाहिए, नेल्स इसको अच्छे से फिट करना चाहिए। जो एक आधा बार जो बंदिश की तरफ से भी, जो अप डाउन की तरफ से भी गैप्स होता है, थोड़ा बहुत 10 mm 15 mm रहेगा तो आधा इंच रहेगा तो ओके, और अगर 1 इंच वगैरह भी आ रहा है तो चलेगा, मगर प्लास्टर ज़्यादा जा सकता है वहाँ पे। उस टाइम पे आप विद हेल्प ऑफ दी नेल से, इस तरह से नेल से यहाँ पे देख सकते हैं, नेल से आप फिट कर सकते हैं, ओके। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी आप बोलिए, किस तरह से आज की वीडियो थी, आप पसंद आई है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बने रहिए इस वीडियो पर पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। सो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको ऊपर से बता रहा था, यहाँ से बताता हूँ नीचे से, ओके। मैं उसको जूमिंग भी करता हूँ, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे वर्क होगा। यहाँ पे स्टील आपको दिखाई नहीं देगा किस तरह से, एक्चुअली में आपको यहाँ पे पता नहीं चलेगा, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं रॉड्स किस तरह से यहाँ पे लिए हैं। आपको ये जो है पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मैं आपको क्लियर बताऊँगा कि किस तरह से पूरा रेडी हुआ। ये अंडर प्रोग्रेस है, अभी रेडी नहीं हुआ है, जब रेडी हो जाएगा मैं आपको उस टाइम पर कंटिन्यू बताता हूँ, बने रही इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी इसलिए। सो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, जो वीडियो थी आज की पार्ट 1 थी फॉर दी एलिवेशन, यहाँ पे 4 इंच की एलिवेशन को किस तरह से यहाँ पे जो रॉड्स लिए हैं सपोर्टिंग के लिए, वो मैं आपको बता चुका हूँ पार्ट 1 में। पार्ट 2 मैं आपको ये बताऊँगा कि ये वर्क कब पूरा कंप्लीट होने के बाद जब प्लास्टर करते हैं तो उससे किस तरह से चेकिंग करना चाहिए, जैसा कि मैं आपको चेकिंग बताया हूँ, जो नेल्स होता है कीला होता है, टाइट रहना चाहिए, और उसके एडवांटेजेस भी बताया हूँ। तो आज की वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ सपोर्ट फॉर दी 10K सब्सक्राइबर। इफ़ यू न्यू अवर यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड। एंड ऑल्सो इफ़ यू हैविंग एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो एंड अनदर वीडियो एंड ऑल वीडियोज ऑफ यूट्यूब चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड, यू कैन कमेंट सेक्शन फॉर यू। एंड ऑल्सो सपोर्ट फॉर दी 10K सब्सक्राइबर, वी विल मीट यू इन न्यू वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो एज सुन एज पॉसिबल। सो दोस्तों हम मिलते हैं न्यू वीडियो में बहुत जल्द नए कॉन्सेप्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।